नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपने 2024 के अभियान की शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ अपने पंजाब समकक्ष भगवंत मान सिंह के साथ राज्य में डोर स्टेप डिलीवरी योजना को हरी झंडी दिखाने के साथ की। एक चुनावी वादा जिसने पार्टी को दिल्ली में भरपूर राजनीतिक लाभ दिलाया। इस नई योजना भगवंत मान सरकार तोड़े द्वार के तहत पंजाब के लोग अब घर बैठे ही हेल्पलाइन नंबर 1076 डायल करके जन्म, विवाह और मृत्यु, पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने सहित 43 सरकारी सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के मोर्चे के पास राजस्थान के बीकानेर जिले में नाल हवाई अड्डे पर स्वदेशी LCA मार्क 1A लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन का पहला स्क्वाड्रन बनाने की योजना बना रही है। विमान जो मौजूदा LCA मार्क 1 तेजस लड़ाकू विमानों से कहीं अधिक उन्नत होगा। नवीनतम स्वदेशी रडार और एवियोनिक्स से लैस किया जा रहा है। रक्षा सूत्रों ने ANI को बताया, LCA मार्क 1A लड़ाकू विमान का पहला स्क्वाड्रन राजस्थान के नाल हवाई अड्डे पर स्थापित करने की योजना है और इसे वर्तमान में वहां तैनात 2 MiG-21 वायसन स्क्वाड्रन में से एक में शामिल किया जाएगा। राजस्थान में नए CM का मामला लंबा खिंचता जा रहा है। खबर है कि BJP विधायक दल की बैठक मंगलवार को होगी। पहले कल सोमवार को बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन नए CM की खोज के लिए बनाए गए पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े आज जयपुर नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक मंगलवार को होगी। तर्क यह भी दिया जा रहा है कि राजनाथ सिंह का लखनऊ में कोई कार्यक्रम है, इसलिए जयपुर नहीं पहुंच पाएंगे। सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे जिद पर अड़ी हुई हैं। ऐसे में सहमति नहीं बन पाने की वजह से पर्यवेक्षकों का आज जयपुर आने का दौरा टल गया है। TDP सुप्रीमो N. चंद्रबाबू नायडू ने रविवार को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर चक्रवात मिचौंग से हुई तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को कहा। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में चक्रवात से व्यापक नुकसान का हवाला देते हुए PM मोदी से इसके प्रभाव को पहचानने का अनुरोध किया। चंद्रबाबू नायडू ने पत्र में कहा, इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह मानते हुए कि चक्रवात का प्रभाव केवल आंध्र प्रदेश तक ही नहीं सीमित था, बल्कि पड़ोसी तमिलनाडु को भी प्रभावित किया है, मैं चक्रवात मिचौंग को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह पूर्व अनुरोध करता हूं। भाजपा ने आज प्रमुख आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को इस शीर्ष पद के लिए नामित करके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद के चयन पर सस्पेंस समाप्त कर दिया है। हालांकि इस घोषणा के कुछ हफ्ते पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले साय के लिए प्रचार करते हुए एक बड़ा संकेत दिया था। शाह ने कुनकुरी के एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, आप इनको विधायक बनाओ, इनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के मौजूदा विधायक UD मिंज को 25,541 वोटों से हराकर जीत हासिल की। आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय को सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद साय की मां ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह खुशी की बात है कि उनके बेटे को राज्य की सेवा के लिए चुना गया है। साय की मां जसमनी देवी ने कहा, मैं बहुत खुश हूं, मेरे बेटे को छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा करने का मौका मिला है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने रविवार को कांग्रेस को आगाह करते हुए कहा, अगर गांधी परिवार के नजदीकी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुकूल राजनीति करते रहेंगे तो देश की सबसे पुरानी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। पार्टी के मुखपत्र सामना में संजय राउत ने EVM संबंधित आशंका को उठाने का आह्वान किया। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में जब मतपत्र की गिनती हो रही थी तब कांग्रेस 199 सीट पर आगे चल रही थी, लेकिन EVM से गिनती शुरू होने के साथ ही परिस्थिति बदल गई।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को असमी लोगों से अपील की कि वो स्वदेशी आबादी की संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए किसी भी संदिग्ध विदेशी को अपनी जमीन न बेचे। उन्होंने किसी भी समुदाय की प्रगति के लिए वित्तीय विकास की महत्वता को जोर देते हुए कहा, विशेषकर युवाओं से आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का आग्रह किया है। गुवाहाटी के बोरा गांव में एक कार्यक्रम में बोलते हुए श्री शर्मा ने कहा, मेरा मानना है कि अगर असमवासी किसी भी संदिग्ध विदेशी को अपनी जमीन नहीं बेचने का संकल्प लेते हैं तो हमारी जाति की रक्षा की जाएगी। कुछ परिवार आर्थिक लाभ के लिए अपनी जमीन बेचते हैं, लेकिन कई परिवारों को पैसे की जरूरत भी नहीं होती और वो फिर भी वे इसे संदिग्ध विदेशियों को बेच देते हैं। यह दावा करते हुए कि केंद्र पर पश्चिम बंगाल का 1.15 लाख करोड़ रुपए का बकाया है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को या तो धन जारी करना चाहिए या तो कार्यालय खाली करना चाहिए। बनर्जी ने यह भी कहा कि उन्होंने राज्य का बकाया जारी करने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है। मुख्यमंत्री ने एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा, बंगाल को बकाया 1.15 लाख करोड़ रुपए का फंड मांगा जाएगा। हम नारा लगाएंगे कि या तो गरीबों का पैसा दो या कुर्सी छोड़ दो। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पर सस्पेंस खत्म हो गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में छत्तीसगढ़ की कमान विष्णुदेव साय को सौंपी गई है। आदिवासी समाज से आने वाले विष्णुदेव साय साल 1980 में बीजेपी में शामिल हुए थे। विष्णुदेव छत्तीसगढ़ की कुनकुरी विधानसभा से हैं। राज्य में आदिवासी समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है। कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी किसी आदिवासी चेहरे पर दाव खेल सकती है, जो सही साबित हुआ। विष्णुदेव साय साल 2020 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। वह सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा वह आरएसएस और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के करीबी भी हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वे केंद्रीय इस्पात मंत्री थे। 16वीं विधानसभा में वे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से जीतकर सांसद बने थे। 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद इंडिया गठबंधन के नेता भी अब फिर से एकता की कोशिश में जुटे हुए हैं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया गठबंधन की अगली बैठक दिल्ली में 19 दिसंबर को हो सकती है। इस बैठक में आगामी चुनावों के लिए सीटों का बंटवारा प्रमुख मुद्दा होगा। 3 राज्यों एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिली हार के बाद कांग्रेस की स्थिति पहले जैसी नहीं है। कांग्रेस के लिए सीट बंटवारे पर बातचीत कठिन होने की उम्मीद है। कांग्रेस को सिर्फ दक्षिण भारत के राज्यों में तेलंगाना में सफलता मिली है। दक्षिण में वो पहले से ही बेहतर स्थिति में है, लेकिन अगला लोकसभा चुनाव यूपी और बिहार में प्रमुख रूप से लड़ा जाएगा। वहां के क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस पर बयानों में भारी पड़ रहे हैं। राजस्थान में अगला सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री पद की रेस में वैसे तो कई दिग्गजों के नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व किस पर भरोसा जताएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम पद को लेकर अक्सर किसी नए चौंकाने वाले नाम पर मुहर लगा रहे हैं। ऐसा ही कुछ राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की तरफ से राजस्थान सीएम के लिए सुनील बंसल वो सियासी दिग्गज हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो राजस्थान के रहने वाले हैं। उन्हें कुशल संगठनकर्ता भी माना जाता है और सबसे खास बात यह है कि उनकी पृष्ठभूमि आरएसएस की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की, जहां गिरने के बाद उनका इलाज चल रहा है। 7 दिसंबर को हैदराबाद से लगभग 60 किलोमीटर दूर एरावल्ली में अपने फार्म हाउस पर गिरने के बाद केसीआर को हैदराबाद के यशोदा अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उनकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई। अस्पताल में रेड्डी, जिन्होंने 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उन्होंने केसीआर के परिवार से चंद्रशेखर राव के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की। एक वीडियो में दिखाया गया है कि मुख्यमंत्री ने बीआरएस प्रमुख से भी बात की, जिन्होंने अपनी चोटों के बारे में बताया।
2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी की कमान मायावती के भतीजे आकाश आनंद के हाथ में होगी। मायावती ने रविवार को इसकी घोषणा की है, यानी आकाश मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे। यह घोषणा आगामी 2024 लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी की एक बैठक के दौरान की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बैठक में मौजूद पार्टी नेताओं ने कहा कि बसपा प्रमुख ने आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया है और उन्हें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाहर के राज्यों में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है। पार्टी की बैठक के बाद प्रेस रिलीज जारी कर बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी गई। राजस्थान में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। केंद्रीय नेतृत्व से बनाए गए पर्यवेक्षक आज राजस्थान आने वाले हैं। इसके बाद ही सीएम के चेहरे को लेकर स्थिति क्लियर होगी। इधर सीएम को लेकर चल रही उठापटक के बीच सांसद करोड़ी लाल मीणा ने बड़ा ऐलान किया है। पिछले दो दिनों से देव दर्शन कर रहे बीजेपी सांसद करोड़ी लाल मीणा ने दो टुक कहा है कि मैं सीएम दावेदार नहीं हूं। सीएम और डिप्टी सीएम के मामले में या तो भगवान जानता है या फिर पीएम मोदी जानते हैं। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भारतीय जनता पार्टी से आग्रह किया है कि अगर कांग्रेस सांसद धीरज साहू भविष्य में भारतीय जनता पार्टी में होते हैं तो उन्हें क्लीन चिट नहीं दी जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इस बारे में देश को आश्वस्त करना चाहिए। महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले में अजीत पवार सहित नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी नेताओं के खिलाफ आरोपों का जिक्र करते हुए चतुर्वेदी ने कहा कि अजीत पवार एनसीपी से अलग होकर बीजेपी में शामिल हो गए। इसके खिलाफ उनके चलते ईडी और आईटी की कार्रवाई भी खत्म हो गई। चार राज्यों के नतीजे रविवार को आए। तीन राज्यों राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में भाजपा को बहुत महत्वपूर्ण जीत हासिल हुई, जबकि कांग्रेस को तेलंगाना में जीत मिली। भाजपा इस जीत से बहुत उत्साहित है। भाजपा तीन राज्यों में सफलतापूर्व अपनाई गई इस रणनीति को आगे बढ़ा रही है। इन राज्यों में कड़े मुकाबलों की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन नतीजे भाजपा के पक्ष में एक तरफा थे। नतीजों के अगले ही दिन से पार्टी चुनावी मोड में आ गई है। उसने देश भर में बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को एकजुट करने का काम शुरू कर दिया है, जिसे लोकसभा चुनाव के लिए महाअभियान कहा जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य सरकारी योजनाओं के 80 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचाना और उन्हें भाजपा के लिए वोट करने के लिए प्रेरित करना है। वैसे देश की कुल आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है। इसराइल हमास में जारी युद्ध के बीच यमन में हूती विद्रोही ने शनिवार को इसराइल के बंदरगाहों की तरफ जाने वाले किसी भी जहाज को निशाना बनाने की धमकी दी है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हूती विद्रोहियों ने कहा कि जब तक गजा के लिए दवाएं और राहत सामग्री को जाने से रोका जाएगा, तब तक इसराइल को जाने वाले जहाजों को लाल सागर में निशाना बनाया जाएगा। विद्रोहियों ने कहा कि इसराइल की तरफ जाने वाले जहाज चाहे जिस भी देश के हों, वो विद्रोहियों की मिसाइल का वैध निशाना होंगे। बता दें कि हमास इसराइल में जारी संघर्ष के बीच यमन में हूती विद्रोही अब तक लाल सागर में इसराइल से जुड़े कई जहाजों को निशाना बना चुके हैं। यमन में हूती विद्रोही द्वारा जारी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए हमास ने इसका स्वागत किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने इस बयान को साहसी बताते हुए इसका स्वागत किया है, तो वहीं इसराइल ने इसे यूरोपीय संघ के नेताओं से इस स्थिति से निपटने की अपील की है। इसराइल ने कहा कि वो नौसैन्य घेराबंदी को स्वीकार नहीं करेगा। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और यूरोपियन संघ के नेताओं से इससे निपटने की अपील की। वहीं इसी बीच फ्रांस की सेना ने कहा कि उसने एक प्री जेट ने लाल सागर में अपनी तरफ बढ़ रहे यमन के लॉन्च किए गए दो ड्रोन मार गिराए हैं। फ्रांस की सेना द्वारा शनिवार रात बयान जारी कर ये जानकारी दी गई है। मैरिटल रेप मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि उम्र 18 साल से अधिक है तो भारतीय दंड संहिता के तहत इसे अपराध नहीं कहा जा सकता। बता दें कि अदालत की यह टिप्पणी ऐसे ही एक मामले पर सुनवाई के दौरान आई है।
जिसमें अदालत द्वारा ये तर्क देते हुए पुरुष को बरी कर दिया गया है। न्यायाधीश राम मोहन नारायण मिश्रा के बेंच ने कहा कि इस मामले में आरोपी को आईपीसी की धारा 377 के तहत दोषी करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हमारे देश में अभी तक मैरिटल रेप को अपराध घोषित नहीं किया गया है। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर मैरिटल रेप को अपराध मानने को लेकर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में निलंबित हैं, ऐसे में जब तक शीर्ष अदालत इस पर फैसला नहीं लेगी तब तक ऐसे मामलों में अगर पत्नी की आयु 18 साल से ज्यादा है तो मैरिटल रेप के लिए कोई आपराधिक पेनल्टी नहीं है। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com पर।